नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, नरेगा में किसी प्रकार की समस्या होने पर अगर डिमांड लग जाती है और आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में या लैपटॉप में कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है। सर्च बार में लिखना है नरेगा, फर्स्ट वेबसाइट आएगी narega.nic.in, इस पर आपको क्लिक करना है। नरेगा की ऑफिशियल डैशबोर्ड खुल जाएगा, यहाँ पे आपको क्रॉस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, डाटा एंट्री के ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको अपने राज्य पर क्लिक करना है और यहाँ से सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करनी है। यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर सबमिट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे सबमिट कर लेता हूँ। जैसे ही आप यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे, आपके सामने ग्राम पंचायत लेवल डाटा एंट्री का पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पे जहाँ पे आपने सबसे पहले डिमांड लगाई थी वहीं पर आपको जाना है। यहाँ पर D3 में वर्क डिमांड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन डिमांड डालने का है और यहाँ पे डिलीट करने का, तो सेकंड डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने सादा इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करनी होती है, उसके बाद आपको अपना गांव सेलेक्ट करना है। जैसे आप गाँव सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको शो कर देगा कितने लोगों की डिमांड लगी हुई है, किस जॉब कार्ड की, कब से कब तक लगी है, वो भी आपको यहाँ पर मालूम पड़ जाएगा। दोस्तों, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो मैंने ये डिमांड लगाई है इसे मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो डिलीट करने के लिए यहाँ पे आपको टिक के ऑप्शन दिए होंगे, यहाँ पे सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप एक को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक को टिक करेंगे, अगर आप सबको यहाँ पर डिलीट करना चाहते हो सबको टिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दिया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो डिमांड है वो दिखाएगा, डिमांड हैज़ बीन डिलीटेड, देयर इज़ नो डाटा फाउंड। सो दोस्तों, इस तरह से आप किसी त्रुटि के कारण कोई भी डिमांड अगर डिलीट करना चाहते हो तो इसे इजीली कर सकते हो। दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।